हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रेनू अग्रवाल हेयर। आज हम बिटवीन और अमंग के डिफरेंस को समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस तरह से डिफरेंट रहता है। देखिए, बिटवीन और अमंग का एक कॉमन डिफरेंस ये रहता है कि बिटवीन जो है वो दो पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जो अमंग है वो मोर देन टू के लिए होता है। तो क्या बिटवीन जो है वो ओनली टू के लिए यूज़ होता है या मोर देन टू के लिए भी यूज हो सकता है? तो इन्हें भी हम एग्जांपल से समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहला है कि यूज्ड फॉर टू पर्सन्स थिंग्स और ग्रुप्स, यानी कि दो पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए और ग्रुप्स के लिए, कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं, उनके लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं, वहाँ हम अमंग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मोर देन टू पर्सन्स थिंग्स और ग्रुप्स, तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा पर्सन रहेंगे, थिंग्स रहेंगे या ग्रुप्स रहेंगे, तब हम अमंग यूज़ कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अब हम बिटवीन यूज़ नहीं कर सकते। किन कंडीशंस में हम जो है वो बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं, आगे देखेंगे। एग्जांपल से अगर हम समझेंगे, वीडियो के एंड तक रहेंगे, आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए, ये जो बिटवीन है उसमें समटाइम्स मोर देन टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, यानी और बिटवीन का यूज़ हम जब वो अलग अलग दिखाते हैं, कई बार हम चॉइस करते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें रखी होती है, दो या दो से ज़्यादा, उनमें से चॉइस के लिए होता है, उन्हें अलग अलग हमने नाम लेके बोला है, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। विद एग्जांपल समझेंगे इसे। इसे हम एक ग्रुप के रूप में देखते हैं, आर व्यूड एज ए ग्रुप, नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं देखा जाता। क्राउड है, जैसे क्राउड है, क्राउड एक ग्रुप है, एसोसिएशन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो उस तरह से इसे अमंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद टू और मोर लिमिट्स व्हेन बाउंड्रीज आर कंसर्न, जब जैसे देश की सीमाओं की बात हो रही होती है, तो उसमें दो से ज़्यादा की भी बात है अलग अलग, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, सराउंडेड बाय या इन द मिडिल ऑफ मोर देन टू, किसी चीज़ के बीच में, मोर देन टू किसी चीज़ के बीच में या उनसे घिरा हुआ होना, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताना हो एक दूसरे से, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। एक मेन रीज़न यहाँ पे ऐसे भी समझिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इधर की तरफ ऐसे ब्लॉक्स हैं, या इनके बीच में से निकल के जाना है, तो एक तरफ इधर है, एक तरफ इधर है, तो ये बिटवीन है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं और हमें ऐसे सीधा नहीं जाना, इन दो ब्लॉक्स में से ऐसे नहीं जाना, हमें घूमते हुए ऐसे जाना है, तो वो अमंग द आ जाएगा। या पहाड़ियाँ समझ लीजिए, हिल्स बनी हुई है, तब वो यहाँ पे पहाड़ियों के बीच में से होकर जा रहा है, तो फिर अमंग द हिल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कहाँ बिटवीन आएगा, कहाँ अमंग आएगा। शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर टू सिस्टर्स, दो सिस्टर के बीच में बैठी हुई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये तो दो की बात हो रही है, तो बिटवीन आ जाएगा, दो के लिए तो अमंग का यूज़ होगा ही नहीं। ठीक है, कम टू मी बिटवीन 5 and 6 PM, यानी 5 या 6 PM के बीच की बात है, दो टाइम को सेपरेट करके बताया गया है, तो यहाँ पे एंड ही आता है, हमेशा टू दे दिया जाता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। टू कब लगाते हैं, अगर यहाँ पे फ्रॉम दिया हो, फ्रॉम 5 to 6, है ना, तब हम टू लगाते हैं, अदरवाइज बिटवीन के साथ टू वो एरर होता है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का रहता है। राजस्थान लाइज बिटवीन, यहाँ पे मोर टू और मोर जो जितनी भी लिमिट्स होती हैं उनके कंसर्न की बात हो रही है, तो राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात, MP एंड UP, आप इस एंड को देखकर भी बिटवीन फील कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देयर इज़ एन अलायंस, अलायंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, बिटवीन दी 6 countries, अब यहाँ गड़बड़ फिर हो जाती है कि 6 को देखा अमंग लगा दिया, ये यहाँ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कैसे होगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो गई उनकी, एक दूसरे के साथ संबंध हो गया, आपस में संबंध हो गया, तो यहाँ पर भी बिटवीन आ जाएगा। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 sons, 5 बच्चों में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, देयर इज अ विलेज अमंग द हिल्स, हिल्स के बीच में, तो हिल्स तो देखिए एक लाइन में ऐसे तो होंगी नहीं, इधर है इधर है, ऐसे तो है नहीं वो हाउस बना हुआ, या ऐसे तो हो तो बिटवीन होता है, बट हिल्स तो इस तरीके से बहुत सारी चारों तरफ गिरा हुआ रहेगा एरिया वो, तो इसका मतलब वो बिटवीन, इसका मतलब वो अमंग हिल्स रहेगा। नाउन एंड वर्ब फॉलोड बाय बिटवीन वो हमें हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ पे बिटवीन आएगा। देखो कौन से नाउन्स होते हैं, कनेक्शन दिया हुआ हो सकता है वहाँ पर, डिफरेंस या फिर रिलेशनशिप या डिस्टिंक्शन। ठीक है, यहाँ वर्ब्स में देखिए, जैसे चूज, डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश, कई बार डिवाइड वर्ड भी मिल जाता है आपको,
डिवाइड, जैसे यहाँ पे अब एरर को देखिएगा आप कि एरर किस टाइप की आ सकती है। इनवर्ड्स के एग्जांपल तो हम बाद में देख लेंगे, बट पहले आप ये देखिएगा कि डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई, एरर बताना है यहाँ पे। तो एक और पॉइंट निकल के आता है कि बिटवीन आएगा यहाँ पे, ये तो ठीक है क्योंकि एंड है तो हमने वैसे भी बिटवीन लगा दिया, यहाँ दो की बात हो रही है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे प्रपोजिशन के बाद हमेशा ही एक ऑब्जेक्टिव केस रहता है, बिटवीन है यहाँ पर, बिटवीन के पास जो भी आने वाले ऑब्जेक्ट रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे ना, तो ये आई की जगह यहाँ पर मी होगा। यानी हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, किसी भी प्रपोजिशन के बाद जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, बिटवीन प्लस जो भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन और प्रोनाउन आएगा। नाउन तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव केस का और सब्जेक्टिव का सेम ही रहता है, प्रोनाउन की ही बात होती है। तो प्रोनाउन में भी आप देख लीजिए, जैसे कि आई का मी होता है, वी का अस, तो ये वाले प्रोनाउन हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। यू का तो यू ही रहता है, और मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ दे का देम, और ही का हिम, शी का हर, इस तरीके से जो है ये वाली प्रोनाउन यहाँ पर आने चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट वाली में एरर देखिए कि शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड टू हर फादर, जैसा कि मैंने कहा बिटवीन के बाद एंड आना चाहिए, तो ये एरर भी मिल जाती है यहाँ पर, तो यहाँ आपको करना है एंड, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ बिटवीन आएगा या अमंग आएगा, आप चाहें तो एक बार आप अपने आंसर 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, अगर डिफरेंस आ जाता है तो हमेशा क्या आता है, बिटवीन आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिली मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, तो एक तो एंड को देख लीजिएगा और एक साथ ही साथ ये देख लीजिएगा कि डिफरेंस की बात हो रही है तो हमें बिटवीन यूज करना है। द थ्री थीव्स डिवाइडेड द मनी, अब यहाँ पे बताइए बिटवीन आएगा अमंग आएगा, यहाँ देमसेल्स को देखना है, आपस में बांट ली, अब यहाँ अलग अलग करके नहीं बताया, डिस्टिंक्ट नहीं किया, जैसे 5 सन्स की बात हो रही थी उसी तरह से उन्होंने भी देमसेल्स आपस में बांट ली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमंग देमसेल्स। नेक्स्ट देखो, देयर इज़ अ विलेज बिटवीन या अमंग द हिल्स, यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ होना, तो अमंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई सॉ हिम डैश द क्राउड, अब क्राउड है, अलग अलग नहीं बताया गया है, एक ग्रुप के रूप में उसको देखा गया है क्राउड को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट नहीं है, दो लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे एंड आएगा पहले, एंड रोहन, तो दो लोगों के बीच में यहाँ पे किस चीज़ की बात आ रही है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी, अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक एंड इंस्टा टेलीग्राम से हमसे जुड़ जाइए, वहाँ पे काफ़ी इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस मैं पोस्ट करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।